बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब गाइस। आप देख रहे हैं इस वक्त इना ग्राफिक। तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फट होंगे। सो आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, डब्ल्यू प्लस के लोगो डिज़ाइन को आज क्रिएट करूँगा और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो गाइस आप करें वीडियो को इन्जॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना, अपना स्केच को रेडी करते हैं ऑलवेज की तरह। ओके लेट्स गो इट, और इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं और इसको डुप्लीकेट करेंगे। ओके लेट्स गो इट, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ओके और इसको यहाँ पे रोटेट कर देंगे। अब इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे। अब लोगों को जो पॉलीगॉन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देंगे बिल्कुल इसके मुताबिक, बट ये परफेक्ट नहीं हुआ, इसको परफेक्ट करना पड़ेगा। ओके डेट्स गुड, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बड़ा कर देते हैं और अब इसको अलाइनमेंट करते हैं। ओके डेट्स गुड, और गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको रोटेट कर देंगे। ओके डेट्स गुड, अब इसको भी हम लोग रोटेट कर देंगे। ओके डैट्स गुड, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्केच बिल्कुल रेडी हो गया, जिसमें हमने अपना लोगो जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस लोगो को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना, अब आप लोगों ने स्केच रेडी कर लिया, अब आप लोगों को प्रोसेस बताऊँगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। शेप टूल को लेंगे और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से मैं इसको जो है वो स्टार्ट करूँगा। ओके पहले W को क्रिएट कर लेते हैं। ओके डेट्स गुड, और यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएंगे। ओके इतना जो है मेरा हो गया। अब मैंने करना है K को, ठीक है। K को यहाँ से मैं गाइस स्टार्ट करूँगा और केयरफुल रह के यार आप लोगों ने वर्क करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से नीचे लेके आएंगे। ओके डेट्स गुड, और इसको अब हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो इसको जूम कर लेंगे ताकि यार थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो ओके ज़बरदस्त, ये एक मेरे जानने वाले हैं, उनका भी ये नेम बनता है, बट उनको मैंने लोगो क्रिएट करके दिया था पहले W और K का, बट आज ये वाला माइंड में आया, वो भी पॉलीगॉन में किया था बट थोड़ा सा वो हटके था इससे, लेकिन ये भी मस्त है, कूल है, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उससे, ठीक है। वो भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छा बना था, बट उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ से मैं इस तरह जो है वो करके इसको किया था और इसलिए वो डिफरेंट बन गया था, ठीक है। तो ये वाला बहुत अच्छा, ये भी लोगो है, उनको जो है वो हम लोग देंगे, अगर उनको पसंद आया तो रख लेंगे अपने चैनल के लिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पर बिल्कुल गाइस रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको जस्ट अनग्रुप करेंगे और एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। ओके अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको फिल करेंगे तो ये और भी कूल लगेगा और मस्त लगेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। गो टू ऑब्जेक्ट और इसको एक्सपेंड कर लेंगे और ये इसको यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ओके डेट्स गुड, यहाँ पे ज़बरदस्त लग रहा है W और K लोगो, और यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना कंपनी का नेम जो है वो डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक बैकग्राउंड को क्रिएट करते हैं। तो आपकी जो आप लोगों को जो पसंद है कलर, आप उसको पहले क्रिएट कर लो, उसके बाद उसको इजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे ग्रेडिएंट कलर करके भी दिखा देता हूँ, और ये अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना कूल और कितना मस्त लग रहा है। और अगर आप लोगों ने इसको सिंपल रखना है तो सिंपल भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर अपने अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है। तो
सो यहाँ पे उनका नेम था वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है या वर्ल्ड नॉलेज वर्ल्ड 3.2 को इस तरह का था कोई नाम। चलें खैर, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना मस्त और कितना कूल हमारा डिज़ाइन जो है वो और लोगो भी लग रहा है। आई होप किस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।